हाँ मैं जसबीर सिंह पांडे जी पूर्व सरपंच भी हैं, वो भी बुके देकर विधायक जी को सम्मानित करेंगे। माला तो प्रवेद सरपंच साहब का, माला तो प्रवेद सरपंच साहब का। कृष्ण कुमार जी तो मेरे की तरह थोड़े से वैसे थे। आज भाई साहब इधर आ जाओ। यस मैम, थैंक यू। अब हमारे नंबरदार एक शाल देकर सम्मानित करें। प्रधान है जसबीर सिंह पांडे जी, पूर्व सरपंच भी हैं, वो भी बुके देकर विधायक जी को सम्मानित करेंगे। रामचरण जी कुर्सियों पे आ जाइए, इधर आज आज कृष्ण जी और हमारी बहन गीता जी, जसबीर सिंह पांडे जी जो नंबरदार एसोसिएशन के प्रधान हैं, वह साथ में चल रहे पार्टी के बहुत ही आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, वह गांव पांडे से यहां पर पहुंचे, मेरे पिता तुल्य दुर्गो, नौजवान दोस्तों। अच्छा आदरणीय हमारे जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन अनिल संधु जी का हमारे सरपंच प्रतिनिधि साल देकर स्वागत करेंगे। अनिल संधु जी का उनके लड़के अभी ही साल देकर स्वागत कर रहे हैं। सरपंच साहब के लड़के अभी जी स्वागत कर रहे हैं अनिल संधु जी। और धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए। देखिए हम आपके बीच में आज विधानसभा की वोट की अपील करने के लिए आए हैं। आप सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर चुनाव होना है और पीछे आपने बीजेपी सरकार के 10 साल देखे। हालांकि आपने 5 साल पहले भी यहां से बीजेपी सरकार को भगा दिया था, लेकिन किसी कारणवश उनकी 40 सीटें हरियाणा में आई और एक ऐसी पार्टी जेजेपी जिन्होंने 10 सीटें लेकर उनके साथ गठबंधन करके हमारे ऊपर जबरदस्ती राज किया और उन्होंने वही धोखा किसान के साथ, मजदूर के साथ, देहात के साथ किया जो उन्होंने पहले 5 सालों में किया और उससे भी बढ़कर किया। जो उनके झूठे वादे थे वो आप सभी जानते हैं। 15 लाख का वादा था, महंगाई कम करने का वादा था, गरीब आदमी की आय दुगुनी करने का वादा था, किसान की आय दुगुनी करने का वादा था, 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, हर घर पक्की छत का वादा था,
हर घर को पक्का मकान देने का वादा था। कितने वादे थे, उन्होंने एक पर भी खरे नहीं उतरे। ना किसी को 100 गज का प्लाट मिला, ना किसी को कॉलोनी मिली, ना कच्ची छत के पैसे मिले, ना पानी की टंकी मिली, ना किसान की आय दुगुनी हुई, ना गरीब आदमी की जेब में पैसे रहे। वो गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। अंबानी अंडानी जिस स्टेज पे पहुंच गए, हम सब उसकी कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। साथियों, मैं आप सभी से ये विनती करता हूं कि आने वाली 5 अक्टूबर को एक एक कीमती वोट श्रीमती रेणु बालाजी को दें, ताकि यहां से विधायक बन के दोबारा से इस क्षेत्र का विकास करवा सके। हालांकि मैं मानता हूं कि पीछे उतना विकास नहीं हो पाया जिस तरह से आप लोगों ने वोट दी थी, क्योंकि विधायक विपक्ष में रही, इन्होंने अपने एरिया की बात भरपूर तरीके से विधानसभा में तो उठाई, लेकिन उन पे काफी कामों पर अमल भी हुआ। जैसे सढ़ोरा हॉस्पिटल का मुद्दा था, उस पे काम लग चुका है, टेंडर हुआ, अभी गिराने का काम भी लग चुका है। नप्ती नदी पे पटड़ी बनाने का काम था, सड़कों का काम था, कितनी सड़कों पे काम इनके वहां पर विधानसभा में देने से लग चुका है। और इतना भी मानना है कि इससे शरीफ, ईमानदार, और जब आप इनके घर जाते हो आपको ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार में आए हैं, इससे शरीफ एमएलए आप लोगों को नहीं मिल सकती। आज से पहले जितने भी एमएलए बने हैं, किसी ने भी विधानसभा में एक मुद्दा नहीं उठाया। और दूसरी बात यह है कि किसानों का तो फर्ज बनता है कांग्रेस को वोट देना, क्योंकि जो 13 महीने हमारे साथ दिल्ली के बॉर्डर पर हुआ, हमारे 750 किसान वहां पर शहीद हुए, हम उनके घर परिवार में कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि कांग्रेस के हक में वोट डालकर बीजेपी को हराकर हम ये दे सकते हैं। मैं सभी साथियों से यही अपील करता हूं कि अपना एक एक कीमती वोट श्रीमती रेणु बालाजी के हक में देकर इनको यहां से कामयाब बनाएं, ताकि आपके विकास कार्य ज्यादा से ज्यादा हो सके। सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, नेतागण, आप सभी का गांव पांडव में पहुंचने पर स्वागत है, और सभी गौवासियों का भी धन्यवाद है कि आप रविदास मंदिर में ऐसी चौपाल में बहन रेणु बाला जी के विचार सुनने के लिए पहुंचे। और मैं तो एक ही बात कहता हूं कि साथियों, अब की बार वोट 5 अक्टूबर को आपने सोच समझ के डालनी है। कुछ ऐसी टीमें होती है जो राजनीति से प्रेरित होती है, दूसरी पार्टियों से जुड़ी हुए होते हैं वो लोग, और किसी न किसी रूप में वो कांग्रेस का नुकसान करने पर लगे होते हैं। हम सभी परेशान हैं हरियाणा के वासी बीजेपी सरकार से, और उसका एक ही विकल्प है कि अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तब तो हम बीजेपी से छुटकारा पा सकते हैं, अन्यथा अगर हम इधर उधर वोट देंगे तो उसका फायदा बीजेपी को होगा और हरियाणा में कांग्रेस का नुकसान हो सकता है। तो साथियों, आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है, 5 तारीख को हाथ के सामने का बटन दबाना है और बहन रेणु बालाजी को कामयाब बनाना है। साथियों, आपने देखा कि 13 महीने किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे और उनमें 750 किसान शहीद हुए, तो सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी होगी क्योंकि उनके हथियारे बीजेपी वाले थे, किसानों के हथियारे बीजेपी वाले थे, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उनका बदलाव वोट की चोट से ले गए। तो साथियों, ज्यादा ना कहता हुआ यही अपील करूंगा कि आप हाथ के सामने वाला बटन दबाएं, और एक बार फिर आए हुए सभी मेहमानों का, गौवासियों का यहां पहुंचने पर आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं समस्त गांववासियों का और जो यहां पर अतिथि आए हैं और विधायक श्रीमती रेणु बालाजी का सरपंच साहब की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। गांव पांडू में हमारे गांव से सरपंच बहन गीता रानी जी, उनके प्रतिनिधि भाई कृष्ण जी, यहां से पूर्व सरपंच रहे भाई
जसबीर जी और सम्मानित मंच, मैं आप सभी के बीच में यहाँ पहुँची और आप सभी का मेरी ओर से स्वागत अभिनंदन, आप सभी को राम राम प्रणाम। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव का समय है और इस चुनावी दौर में आप सबके बीच में आप सबसे वोट की अपील करने के लिए हम पहुँचे। साथियों, पहले भी आपका आशीर्वाद सहयोग मुझे मिला और उसी आशीर्वाद की कामना करते हुए आप लोगों के बीच आए। जब आप लोगों ने मुझे यहाँ से जिताकर भेजा तो उस समय हम विपक्ष में विधायक रहे, सरकार जो थी वो भाजपा की मिली जुली सरकार बनी और जब से ये सरकार सत्ता में रही इस सरकार ने हर वर्ग के ऊपर लाठियां और डंडे बरसाने का काम किया, सबके ऊपर अत्याचार किया, चाहे किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारे सरपंच, सबको लाठियां और डंडे मारने का काम किया। साथियों, अगर आप सबको इस सरकार से मुक्ति चाहिए तो उसका एक ही विकल्प है, वह है कांग्रेस पार्टी। आप यहां से कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ जिताएं। हरियाणा में जो आपकी अपनी सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है उस सरकार में आप लोगों की दावेदारी, आपकी भागीदारी हम मजबूती के साथ उठाएंगे और सरकार में आपके काम भी करवाएंगे। साथियों, आप सबके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो वोट की अपील करेंगे और आपसे वोट मांगेंगे, चाहे वो भाजपा के लोग हों, बीएसपी के लोग हों, आम आदमी के लोग हों या अन्य दलों से लोग। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग सब समझदार हो, अगर आप भाजपा के साथ मिलकर, ये दूसरी जो पार्टियां लगी हुई हैं ये भाजपा समर्थित बी टीम है और ये सब लोग जानते भी हैं, अगर वोट इनको मिली, सपोर्ट मिली तो ये फिर से मिलजुल कर वही तानाशाही सरकार बनाएंगे जिसके अत्याचार से हर वर्ग दुखी है, त्रस्त है। साथियों, मैं आप सब से निवेदन करूंगी कि आने वाली 5 तारीख को आप हाथ के सामने का बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जितवाएं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा काम हो सरकार में, आपके बच्चों को रोजगार मिले और सरकार बनेगी, आपकी अपनी सरकार बनेगी। सरकार बनके ही आप लोगों को बुढ़ापा पेंशन 6,000 मिलेगा, 300 यूनिट जो है बिजली फ्री मिलेगी, जो विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन वो भी 6,000 सरकार देगी, महिलाओं के खाते में 2,000 रुपये महीना आप सभी महिलाओं के खाते में कांग्रेस सरकार देगी, 25 लाख रुपए तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बना के कांग्रेस सरकार देगी जिसमें आप अपनी दवाइयों का, हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकोगे और अपना इलाज फ्री में करवा सकोगे और गरीब लोगों को 100 गज के प्लॉट में 2 कमरे, बाथरूम, किचन और शौचालय बना के कांग्रेस सरकार आपको देगी। आज का भला हो और आपके गांव का विकास हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबने मिलकर इतना अच्छा कार्यक्रम किया उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।